नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियों के साथ साथ सभी खिलाड़ी इस बार अपना कमर कस चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो कि टीम में फिट बैठते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप सूरत में लाला भाई क्रिकेट स्टेडियम में लगाया है ताकि वे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है और सभी टीमों ने अपनी प्लानिंग बना रखी है। इस बार दो टीमें जुड़ी हैं तो ऐसे में उम्मीद है कि यह आईपीएल रोमांच से बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, आईपीएल के सफलतम की बात करें तो मुंबई और चेन्नई का नाम इसमें हमेशा ही सबसे आगे रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोई इस बार टीम इन दोनों धुरंधरों को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। अब बड़ी खबर ये है कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही धोनी को अपना बायां हाथ मिल चुका है। आपको बता दें कि धोनी ने अपनी टीम में एक धाकड़ गेंदबाज को शामिल किया है। इस गेंदबाज का नाम है जॉस लिटिल। जॉस लिटिल आयरलैंड के तेज गेंदबाज हैं। लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने इन्हें अपने साथ नेट बॉलर के तौर पर जोड़ा है, यानी यह नेट पर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराएंगे। इसकी जानकारी खुद आयरलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर दी है। अब बात यह है कि आईपीएल से पहले धोनी और चेन्नई का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर से अगर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज प्रैक्टिस करते हैं तो मुंबई की पिच पर आसानी से वे खेल सकते हैं। अब ये धोनी का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है यह तो 26 तारीख के बाद से ही पता चल जाएगा, क्योंकि चेन्नई का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले ही दिन है। ऐसे में चेन्नई कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है और जॉस लिटिल से जुड़ी एक और ऐसी खास बात है जो शायद ही आप जानते होंगे। जॉस लिटिल वनडे क्रिकेट इतिहास में 12वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 5 गेंदों का सामना किया था और कोई रन भले ही ना बनाया हो लेकिन उन्होंने ऐसा कर इतिहास रच दिया। अब आपको बता दें कि ये तब हुआ था जब आयरलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच की सीरीज जनवरी में खेल रहा था। लिटिल अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और चेन्नई ने अगर उन्हें अपनी टीम में बुलाया है तो जरूर सोच समझ के ही बुलाया होगा। अब ऐसे में ये देखना है कि जॉस लिटिल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या कमाल कर पाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं जॉस लिटिल को लेकर, क्योंकि सीएसके ने अगर इस बॉलर को अपनी टीम में लाया है तो जरूर कुछ ना कुछ कोई बड़ी वजह ही रही है। तो आपके क्या ख्याल है कमेंट करें, साथ ही साथ एनएन स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।